हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड योर फैमिली मैन इज ऑल्सो फाइन। चिल्ड्रन, टुडे इज योर ईवीएस डे। दिस इज योर ईवीएस बुक, नेचर इन प्रोपोर्शन। ओपन दिस बुक एंड टर्न योर पेज। ओपन दिस पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 ओपन करिए आप सब। ओके, चैप्टर 7, चैप्टर नेम वाटर। वाटर मीन्स पानी। वेरी गुड, वाटर मीन्स पानी। चलिए आज हम लोग पानी के बारे में जानेंगे कि पानी का यूज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होता है। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट। वी डब्ल्यू ई, वी ऑल नीड वाटर। हम सबको किसकी ज़रूरत रहती है? पानी की। हम सबको पानी की ज़रूरत रहती है। वी कैन नॉट लिव विदआउट वाटर फॉर मोर देन अ फिव डेज। हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, पानी के बिना हम सब जीवित नहीं रह सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर। प्लांट मीन्स पेड़ पौधे। पेड़ पौधों और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है। वी यूज वाटर इन मैनी वेज इन आवर डे टू डे लाइफ। जो पानी का यूज़ होता है वो बहुत तरह से हमारी लाइफ में डे बाय डे यूज़ होता है। डेली कोई नए नए तरीके से पानी का यूज़ हम लोग करते हैं। लुक एट द यूजेस ऑफ वाटर। चलो देखते हैं पानी का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, वी नीड वाटर टू ड्रिंक। वी नीड वाटर टू ड्रिंक। पानी पीने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते, पानी पीते हैं हम लोग ना। यार, पानी पीने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू बाथ। नहाने के लिए हमें वाटर की नीड होती है, पानी की ज़रूरत होती है। जब टैप में वाटर आएगा तभी तो आप नहा सकोगे ना। अगर पानी नहीं आएगा तो आप कैसे नहाओगे? इसलिए वी नीड वाटर टू बाथ। नहाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर टू वॉश। मम्मा आपकी कपड़ा धोती है ना, ड्रेस धोती है, आपके पापा के कपड़े धोती है ना। वी नीड वाटर टू वॉश। कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए वाटर की नीड होती है ना। तो वी नीड वाटर टू वॉश। कपड़े धोने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं और बर्तन साफ करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। वी नीड वाटर टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके चिल्ड्रन, मम्मा आपकी खाना बनाती है किचन में, तो वेजिटेबल्स, पल्स, राइस, ये सब किससे वॉश करती हैं? वाटर से तो वॉश करके तभी तो बनाती हैं, इसलिए पानी की ज़रूरत होती है। तो किचन में सब्जियां बनाते हैं, उसको बनाने से पहले उसको वॉश करते हैं ना। तो वी नीड वाटर टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टर्न योर पेज। एनिमल्स ड्रिंक वाटर एंड बाथ इन
इट। जो जानवर होते हैं वो कहाँ नहाते हैं? नदी में नहाते हैं ना, नदी में नहाते हैं, वहीं से पानी पीते हैं, वहीं इसी में नहाते हैं। जानवरों को नहाने और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू वाटर द प्लांट। पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत होती है ना, अगर पेड़ पौधों में हम लोग पानी नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएंगे। अगर उनको हम समय समय पर पानी देते रहेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स निकलेंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स निकलेंगे। क्यों? अगर उसमें वाटर नहीं, अगर उसको वाटर नहीं देंगे हम प्लांट में, अगर वाटर हम नहीं डालेंगे तो क्या उसमें फ्लावर होंगे? नहीं ना, आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे फिर। तो वी नीड वाटर टू वाटर द प्लांट्स। पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। ओके चिल्ड्रेन, आई विश आपको चैप्टर 7 वाटर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। राइट यस और नो फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, वी ऑल नीड वाटर। इसमें जो सही है उस पर यस और जो गलत है उस पर नो राइट करेंगे। वी ऑल नीड वाटर, हमें पानी की ज़रूरत हो, हम सबको पानी की ज़रूरत होती है, यस या नो? वेरी गुड, यस। वाई ई एस, यस। प्लांट एंड एनिमल्स डू नॉट नीड वाटर। पेड़ पौधों और जानवरों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सही है या गलत है? राइट या रॉन्ग? यस होगा या नो? नो होती है ना, तो ये तो रॉन्ग राइट, यहाँ पे राइट है। नंबर 3, वी नीड वाटर टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, यस। वाई ई एस। वी शुड वेस्ट वाटर, पानी को हमें वेस्ट करना चाहिए। या आप ब्रशिंग कर रहे हो या बाथिंग कर रहे हो, तो आपने टैप ऑन कर दिया, आप बाथिंग कर रहे हो, पानी वेस्ट होता है ना। जब हम ब्रश करते हैं या बाथिंग करते हैं या वाटर का कोई भी वर्क करने जाते हैं, जब हमें नीड रहती है तभी हमें वाटर का यूज़ करना चाहिए। तो क्या हमें वाटर वेस्ट करना चाहिए चिल्ड्रन? नो, हमें वी सेव द वाटर, पानी को हमें बचाना चाहिए। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज बी, चूज एंड अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1, वी कैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? कैन या कैन नॉट? कैन नॉट, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वी नीड वाटर टू ड्रिंक इट, पानी पीने के लिए काम आता है या खाने के लिए काम आता है? वाटर को हम लोग ड्रिंक करते हैं ना, चबा खा तो सकते नहीं उसको, पानी को खाया जाता है, पानी को तो ड्रिंक किया जाता है ना, वाटर को ड्रिंक किया जाता है। नंबर 3, एनिमल्स नीड वाटर टू स्लीप एंड बाथ। जानवरों को पानी की ज़रूरत किस लिए होती है, सोने के लिए या नहाने के लिए? स्लीप में सोना, बाथ में नहाना, बाथिंग करने के लिए, ओके। नंबर 4, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर या एयर, यस, वेरी गुड। एक्सरसाइज ए एंड बी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्रॉस द पिक्चर इन विच वाटर इज बीइंग वेस्टेड। आपको इसमें बताना है, इसमें क्रॉस करना है कि कौन सी पिक्चर में वाटर वेस्ट हो रहा है। देखिए ये ब्रश कर रहा है ना, देखिए ये चाइल्ड ब्रश कर रहा है, इसने देखिए टैप ऑन कर रखा है, वाटर वेस्ट हो रहा है ना, वेस्ट कर रहा है ना। तो ये राइट होगा या रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये राइट होगा, देखिए ये वाटर ड्रिंक कर रहा है ओनली। देखिए आप बॉटल्स, इसने बॉटल्स में पानी भर रखा है,
और इसने बॉटल में पानी भर के अपने फ्रेंड्स के ऊपर देखे डाल दिया है ना, तो इससे क्या होता है, वाटर तो वेस्ट होता है, तो ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। देखिए कितना गुड बॉय है, देखिए बाथिंग कर रहा है यहाँ पे, लुक एट सी, बाथिंग कर रहा है और इसने देखिए बकेट फुल हो गई तो इसने टैप ऑफ कर दिया है तब बाथिंग कर रहा है, तो दिस इज राइट। ओके चिल्ड्रन, इसी तरीके से आपको बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये है आपका होमवर्क, आज के लिए इतना ही चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे।